हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, आज ये क्लास फाइव का मैथ है और चैप्टर सिक्स है, एक्सरसाइज 28। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये जिसको हम लोग फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट हो गया ये, और हिंदी में बोला जाता है भिन्न का घटाव। तो हम लोग इसको आसानी से बनाएंगे, जिसके नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है वो बनाना आसान होता है। तो यहाँ पे मैं बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेते हैं नंबर वन, ये हो गया 17। 17 नीचे है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम लेंगे तो सेम वही नंबर मिलेगा। एक लाइन खींचते हैं और इसके नीचे लिखते हैं 17, और फिर ऊपर में जो नंबर है सेम वही नंबर आ जाएगा यहाँ पर, 11 माइनस 5। 11 में से 5 चला गया, कितना बच गया, 6। 6/11 ये इसका आंसर, 6/17 हो जाएगा, 6/17 ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में अगर बड़ा नंबर हो तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम लोगों को मिलेगा तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है कि हम इसको एक लाइन के नीचे 12 लेते हैं और ऊपर में जो है वही रख लेते हैं, 7 माइनस 3। 7 में से 3 चला गया तो बच गया 4। 4/12 हो जाएगा, तो ये अगर कटता है तो इसको काट देते हैं। 4 3 12 हो गया, कट गया 3 बार में, तो ऊपर में 1 रह जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, इसी तरह से आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम के लिए एक रफ पेज ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 3 4 का, हालांकि एलसीएम जाने वाला नहीं है, तो 3 4 का अगर एलसीएम लेते हैं 3 4, तो यहाँ पे कुछ भी होगा नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 2 हो गया, इससे आगे जाने वाला नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो 2 2 जब 4 हो गया, 4 3 जब 12 हो गया, इसका एलसीएम हो गया 12। तो यहाँ पर 12 ले लेते हैं, और ये 3 का टेबल में कितना बार में आता है, मतलब 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 बार में जाएगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह जो है वही रह जाएगा, और फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 3 जा 12 हो गया 3 बार में, तो 3 1 जा 3 ये हो गया। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया, और नीचे में 12 हो जाएगा। ये तो ना कटेगा और ना ही मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला है, क्योंकि नीचे में बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 12, इन दोनों को एलसीएम ले लेना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 8 12 क्या हो जाएगा, 2 से जा रहा है 4 4 2 जा 8 हो गया, और 6 यहाँ पे, उसके बाद 2 से फिर जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 इससे आगे जाने वाला नहीं है, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो इसका एलसीएम हो गया 24। तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 24। 8 का टेबल पढ़ के कितने बार में 24 आएगा, 8 3 जा तो 3 1 जा 3 माइनस, और 12 का टेबल पढ़ के कितना बार आएगा, 12 2 जा 24 तो 2 1 जा 2 ये हो गया। 3 माइनस 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि 1 हो गया, 1/24 कटने वाला नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा नहीं, मैं क्वेश्चन लिख के बनाऊंगा। यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 5। 7 और 14 को लेंगे, अगर एलसीएम लेते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर छोटे नंबर जो दिया हो, छोटा नंबर जो दिया हुआ है उसके टेबल में अगर बड़ा नंबर आता है तो वो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। तो ये 14 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 2 जा 2 बार में जा रहा है, 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पे 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 6 में 5 गया तो बचा 1, यहाँ ना कटने वाला है और ना ही मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 लेते हैं, 4 का टेबल में 8 आता है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 1 जा 8 1 1 बार में जा रहा है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 1 जा 7 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 जा तो 2 बार में जा रहा है,
टू थ्री जा सिक्स हो गया, तो यहाँ पे सेवन माइनस सिक्स इक्वल टू वन हो जाएगा और नीचे में एट रह जाएगा, इसका मतलब वन बाय एट इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, तो यहाँ पे सेवन ले लेते हैं। एट और ट्वेल्व को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे रफ पेज में ले लेते हैं एट ट्वेल्व, एट ट्वेल्व का एलसीएम तो लिया हुआ है, यहाँ पे ट्वेंटी फोर आया, ट्वेंटी फोर तो इसका एलसीएम हो जाएगा ट्वेंटी फोर। एट थ्री जा थ्री बार में जा रहा है, तो थ्री सेवन जा सेवन, थ्री जा ट्वेंटी वन होता है, ट्वेंटी वन माइनस दिए ट्वेल्व, ट्वेल्व से ट्वेंटी फोर टू बार में जा रहा है, तो टू फाइव जा टेन हो गया, यहाँ पे टेन इक्वल टू कितना हो गया एलेवन हो गया, एलेवन बाई ट्वेंटी फोर। तो ये नीचे में बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा नहीं, एलेवन के टेबल से ये कटने वाला भी नहीं है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया, तो इसको एलसीएम लेते हैं सिक्सटीन ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा, टू से लेते हैं, एट टू जा सिक्सटीन हो गया, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर हो गया, फिर यहाँ पे टू लेते हैं और यहाँ पे हो गया फोर और यहाँ सिक्स, फिर यहाँ टू, टू टू जा फोर हो गया और टू थ्री जा सिक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, टू टू जा फोर हो गया, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन और सिक्सटीन थ्री जा सोलह, सोलह बत्तीस, सोलह अड़तालीस, फोर्टी एट हो रहा है, फोर्टी एट इसके एलसीएम यहाँ पे फोर्टी एट हो जाएगा। और यहाँ पे सोलह बत्तीस, सोलह अड़तालीस, थ्री बार में जा रहा है, तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो गया, माइनस ले लिए और ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट, चौबीस दो अड़तालीस, तो दो बार में जा रहा है, तो टू वन जा टू, ये यहाँ टू आ गया, यहाँ पे कितना हो गया ट्वेंटी वन माइनस टू नाइनटीन हो गया, नाइनटीन बाय फोर्टी एट, कटने वाला नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये बड़ा है, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, ये आंसर रह जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन लेते हैं यहाँ पे, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम होने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा सिक्स सेवन जो फोर्टी टू होता है, तो यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और फोर्टी टू लिख लेते हैं, और सिक्स से सेवन बार में जाएगा, तो सेवन वन जो सेवन हो गया, माइनस देते हैं और सेवन से देते हैं इसको डिवाइड, सिक्स बार में जाएगा, सेवन सिक्स जो फोर्टी टू, तो सिक्स वन जो सिक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब है वन हो गया, वन बाय फोर्टी टू, न कटेगा ना मिक्स बनेगा, मतलब ये आंसर रह जाएगा। टेन नंबर फाइव बाई नाइन माइनस सेवन बाय एट्टीन, नाइन एटीन, तो छोटा नंबर जो है उसके टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम जो है एटीन हो जाएगा, तो यहाँ पे एटीन ले लेते हैं। और नाइन टू जा टू बार में जा रहा है, तो टू फाइव जा टेन हो गया, माइनस और एटीन वन जा एटीन, वन बार में जा रहा है, तो वन सेवन जा सेवन हो गया, टेन में कितना गया सेवन, तो थ्री बच गया, थ्री बाय एटीन, ये जरूर कट जाएगा, कितने बार में कट रहा है सिक्स, थ्री सिक्स जा एटीन होता है, यहाँ काट देते हैं इसको, सिक्स बार में ऊपर में वन रह जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा वन बाय सिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एलेवन लेते हैं, फोर फाइव का एलसीएम अगर लेते हैं तो कुछ जाने वाला नहीं है, ये फोर फाइव जा ट्वेंटी हो जाएगा, तो यहाँ लाइन खींचते हैं, नीचे में ट्वेंटी लिख लेते हैं, ट्वेंटी को फोर से डिवाइड देते हैं, तो फोर फाइव जा ट्वेंटी, फाइव बार में जाएगा, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, यहाँ पे फिफ्टीन हो गया, और फाइव से कर देते हैं, तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, फोर बार जा रहा है, तो फोर वन जा फोर, तो यहाँ पे फिफ्टीन में फोर चला गया, तो बच जाएगा एलेवन, एलेवन बाई ट्वेंटी, तो ये तो कटने वाला नहीं है और ना ही यहाँ मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा एलेवन बाई ट्वेंटी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सीधा करना होगा, टू टू जा फोर हो गया, फोर और वन फाइव हो गया, फाइव बाय टू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बगल में लिख लेता हूँ, फाइव बाय टू माइनस फोर वन जा फोर, फोर थ्री सेवन, सेवन बाय फोर, ये हो गया सेवन बाय फोर, ये सीधा हो गया। इसके बाद इन दोनों को एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ छोटा नंबर जो है उसके टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बड़ा नंबर है फोर वही एलसीएम हो जाएगा, ये फोर एलसीएम हो गया, और टू से इसको
डिवाइड देते हैं, टू टू जा फोर, टू बार में जा रहा है तो टू फाइव जा टेन हो गया, टू फाइव जा टेन माइनस फोर वन जा फोर, एक बार में जा रहा है तो वन, सेवन जा सेवन हो गया, तो सेवन और यहाँ पे टेन माइनस सेवन इसका मतलब थ्री हो गया, थ्री बाई फोर, न कटेगा और ना ही मिक्स फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि नीचे में बड़ा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन। ये है क्वेश्चन नंबर थर्टीन और इसको पहले सीधा करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, तो यहाँ पे कर लेते हैं नाइनटीन बाय फोर और माइनस हो गया, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और वन थर्टीन हो गया, थर्टीन बाय सिक्स। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, फोर सिक्स, फोर सिक्स क्या हो जाएगा, टू से जा रहा है, यहाँ पे टू टू जा फोर हो गया और टू थ्री जा सिक्स हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो थ्री टू जा सिक्स हो गया, सिक्स टू जा ट्वेल्व, मतलब इसका एलसीएम ट्वेल्व आ रहा है, तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं और यहाँ ले लेते हैं ट्वेल्व, फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री बार में जा रहा है, थ्री को नाइनटीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइनटीन का टेबल थ्री बार पढ़ते हैं, उन्नीस का उन्नीस, उन्नीस दुना अड़तीस, उन्नीस दिया सत्तावन, फिफ्टी सेवन होता है, फिफ्टी सेवन और यहाँ पे माइनस हो गया और सिक्स का टेबल टू बार पढ़ेंगे तो ट्वेल्व आएगा, तो टू थर्टीन, थर्टीन का टेबल पढ़ना होगा टू बार, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स होता है, तेरह दुना छब्बीस। अब इसको करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे सेवन में से सिक्स किया तो वन बच गया और यहाँ पे फाइव में से टू गया तो थ्री बच गया, थर्टी वन बाय ट्वेल्व, ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, तो ट्वेल्व का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में, इसके आसपास जाएंगे, बारह का चौबीस पढ़ते हैं छत्तीस, थ्री बार में ज़्यादा हो रहा है तो बारह दुना चौबीस, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, टू बार में जाएगा और यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा और ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर में थर्टी वन में ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे तो यहाँ पे थर्टी वन लिख लेते हैं, ट्वेंटी फोर माइनस कर देते हैं, कितना हो गया एलेवन, फोर सेवन हो गया, यहाँ पे एक कट गया, एक सेवन हो जाएगा, इसका मतलब है कि ऊपर में जो है सेवन बच जाएगा, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह से अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो जो प्लस वाला फ्रैक्शन दिया हुआ है जोड़ करने वाला, इसके पिछले एक्सरसाइज 27 में जो मैंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, उसके बाद 14 नंबर, 14 नंबर यहाँ ले लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 14 और इसको सीधा करना पड़ेगा, 83 जा 24 हो गया, 24 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 24 3 हो गया 27, 27 बाय 8 और माइनस 12, 2 जा 24 हो गया 25 हो गया, 25 बाय 12, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 8 12 का एलसीएम यहाँ पे लिए हुए हम लोग, 24 हो रहा है 24 ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 24, 8 3 जा तो 3 बार में जा रहा है तो 3 को यहाँ पे रफ पेज रखते हैं, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27, तो यहाँ पे 7 3 जा 21 हो गया, 2 बच गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, इसका मतलब है कि 81 माइनस 12 2 जा तो 25 2 जा 50 हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया इक्वल टू 80 में से 50 चला गया तो 30 बच गया, 1 हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 बाय 24, तो इसमें कितना आया था 31 बाय 24 यहाँ पे आया, यहाँ पे 31 बाय 12 आया था, तो यहाँ पे इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि नीचे में छोटा है, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24 आया था जब हम इसको डिवाइड किए थे, तो वन बार हम जाएंगे क्योंकि टू बार जाने से ज़्यादा हो जाएगा वन, और यहाँ नीचे में 24 रहेगा और बच कितने गया सेवन बच गया, तो यहाँ पे सेवन ही रह जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, 15 पे चलेंगे हम लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले इसको करेंगे सीधा, तो 6 3 जा 18 और 1 19 हो गया, तो 19 यहाँ लिख लेते हैं और नीचे में 6 हो गया 19 बाई 6 माइनस 8 1 जा 8 हो गया और 8 5 13 बाय 8, 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 8,
यहाँ पे 6 है, 8 है, 2 यहाँ पे हो गया, 3 टू जा 6 हो गया, और 4 टू जा 8 हो गया, 2 3 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है 2 टू जा 4 हो गया, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ भी 24 आ रहा। तो इसके नीचे लिख लेते हैं 24, यहाँ पे 24 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 4 जा 24 होता है, और यहाँ पे 4 और 19 का टेबल हमको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 19 19 2 38, 19 57 19 76 76 होता है। 19 का टेबल 4 बार लेते हैं तो 76 होता है, माइनस 8 3 जा 24 हो गया 3, 13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 26 3 39, 39 हो गया, 39 इसको करेंगे माइनस 6, यहाँ पे हो गया 16, 16 में से 9 चल जाएगा तो बच जाएगा 7, और यहाँ पे हो गया 6, 6 में से 3 तो 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 24, 24 2 48, दो बार अगर जाते हैं 48 हो रहा है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि एक ही बार जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, 1 बार में बनेगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 37 माइनस 24, 37 में से 4 चला गया तो 3 बचेगा, और 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं यहाँ पे, इसको सबसे पहले सीधा करेंगे, 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया, तो 16 यहाँ लेते हैं, और 16 बाई 3 हो गया, माइनस 4 4 2 जा 8 हो गया, 8 9 10 11 11 बाई 4 ये हो गया। 3 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ लाइन लेते हैं और नीचे में 12 लिख लेते हैं, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 16 का टेबल 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 16 32 16 43 16 64 64 हो रहा, 64 हो गया, और यहाँ पे माइनस 4 बार में ये 12 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, तो 3 11 3 जा 33, यहाँ पे 4 में से 3 1, और फिर 6 में से 3 तो 3, 31 बाय 12 एक बार और आ चुका है, तो वो कितना बार में गया था, 2 बार में गया था, 12 2 जा 24 हो गया, तो 2 यहाँ पे 12 हो गया, 31 माइनस 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा तो 7 बचा था, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब 2 एंड 7 बाय 12 ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 17 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये है क्वेश्चन इसका, और इसको पहले सीधा करना पड़ेगा, 12 3 जा 24 36 36 हो गया, 36 और 4 40 हो गया, और 3 43 हो गया, तो 43 लेते हैं बाय 12, माइनस करते हैं 6 2 जा 12 12 और 5 5 2 7, मतलब 17 हो गया, 17 बाय 6 ये हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेने पर क्या होगा, 12 आएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसके टेबल में ये आ रहा है, तो यहाँ पे 12 ले लेते हैं, 12 1 जा 12 हो गया, तो 1 बार में जा रहा है, तो 1 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 ही रहेगा, माइनस 6 2 जा 12, 2 बार में जा रहा है, तो 17 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 34 34 हो गया, 34 तो क्या हो जाएगा, 3 में 4 तो जाने वाला नहीं है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचने वाला है, 4 9, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में 3 तो 9 ही रहेगा, तो यहाँ पे 12 हो गया, ये कटने वाला है, ये 3 का टेबल से कटेगा, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 4 जा 12 हो गया, तो नीचे में बड़ा है इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला नहीं है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 बाय 4 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं, यहाँ पे ये जो है सिर्फ सिंगल नंबर दिया हुआ है, इससे जो है बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं 5 बाय 1, इस तरह से हो गया, और 8 2 जा 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 और 3 23 हो गया, माइनस 23 बाय 8, तो 8 और 1 को अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 ही आएगा, तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं और 8 ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया 8, 8 को 1 से
डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 5 जा 40 हो गया माइनस, और यहाँ पे 8 1 जा 8 1 बार में, तो 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 रहेगा, ये हो गया 40 में से 23 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो गया 3 में से 2 तो 1 हो गया, और यहाँ हो गया 8, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। 8 पूजा 16 होता है, 2 बार में जा रहा है, नीचे में 8 हो जाएगा 16, मतलब यहाँ से 16 गायब हो गया, तो बच कितना गया 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा, 2 एंड 1 बाय 8, ये इसका आंसर हो गया। 19 है क्वेश्चन नंबर 19, इक्वली इस तरह डराने के लिए दिया हुआ रहता है ताकि बच्चे डर जाए और गलती करें, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 6 बाय 1 कर देना है और इसको सीधा कर देना है, 9 वन जा 9 हो गया, और 9 और 5 14 हो गया, तो माइनस देना है 14 बाय 9, ये हो गया। इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम 9 ही होगा, यहाँ पे 9 लेते हैं, 9 हो गया, तो 9 सिक्स जा 54 हो गया, और माइनस 9 वन जा 9, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 14, तो 14 रह गया 14, ये होगा माइनस 4 में 4 तो 0 हो गया, और 5 में से 1 तो 4 हो गया, 40 हो गया, और यहाँ पे हो गया 9, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, कटने वाला नहीं है, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, तो 9 का टेबल पढ़ते हैं कितना नज़दीक जाएगा, 9 4 जा 36 होता है, 9 5 जा 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 4, और यहाँ पे 9 हो गया, 36 इसमें से निकल गया, तो बच कितना गया 4, 4 एंड 4 बाय 9, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसको लेते हैं 20, तो ये मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, पहले सीधा करते हैं इसको, 7 5 जा 35 हो गया, 35 और 1 36 हो गया, 36 बाय 5 माइनस 10 3 जा 30 और 9 39 हो गया, 39 बाय 10, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 10 आएगा क्योंकि 5 का टेबल में 10 आता है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 10 होगा, एलसीएम नहीं लेंगे, 10 यहाँ लेंगे, और यहाँ से कितना बार में जा रहा है 2, 36 36 2 जा 72 हो जाएगा, 36 दोनों 72 होता है, 72 माइनस 1 बार में तो 39 ही रहेगा, 39 इसको करेंगे माइनस, कितने बार में जा रहा है ये 12 हो गया, 12 में से 9 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 6 में से 3 तो 3 बचेगा, 33 हो जा रहा है, 33 बाई 10, तो यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है, ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, 10 3 जा 33 हो गया, नीचे में 10 रहेगा, और बच कितना गया 3 बच गया, तो ऊपर में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 3 बाई 10। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 28 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।